Ole. हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक एआर रहमान के ऑल टाइम सुपरहिट गाने के बारे में, जिसे सिर्फ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी कॉपी किया। इस गाने की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस गाने का कुछ पोर्शन यानी कि गाने का कुछ म्यूजिक भी कॉपीड है। मतलब ये कि एआर रहमान का गाना कई बार कॉपी भी हुआ और पूरी तरह से ओरिजिनल भी नहीं। तो चलें तफसीलात के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एआर रहमान का ये गाना, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर 1994 को तमिल फिल्म से हुई, जिसे तेलुगु और हिंदी में भी डब किया गया, एआर रहमान के इस मशहूर गाने को रिलीज के एक साल बाद 5 मई 1995 में इंडियन फिल्म रघुवीर में कॉपी करके शामिल किया गया, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर सैन ब्रदर्स यानी दिलीप सैन और समीर सैन ने कॉपी किया था। और शायर हमेशा की तरह चुराए हुए गानों के मशहूर शायर समीर थे। ओ जाने मन, ये तो बात हुई इंडियन वर्जन्स की। अब बात करते हैं इस गाने के पाकिस्तानी वर्जन्स की। इस इंडियन गाने को पहली मर्तबा पाकिस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद अली नाशाद ने ओरिजिनल रिलीज के 1.5 साल बाद 21 फरवरी 1996 में कॉपी करके पाकिस्तानी फिल्म में शामिल किया, जिसे वेरियस आर्टिस्ट ने गाया था। इसी तरह से एआर रहमान के इस ट्रैक को ओरिजिनल रिलीज के 2.5 साल बाद 14 मार्च 1997 में एक मर्तबा फिर से पाकिस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर एम अशरफ के बेटे एम अरशद ने कॉपी किया। कहने के एतबार से एआर रहमान का ये गाना रहा तो ऑल टाइम हिट एंड फेवरेट, मगर इत्तेफाक से इस गाने के म्यूजिक का ये पोर्शन पूरी तरह से कॉपीड है। और कॉपी भी यूरोपियन बेस्ड नाइजेरियन आर्टिस्ट डॉक्टर अल्बान के गाने के म्यूजिक से है, जो कि एआर रहमान के गाने से 2 साल पहले 1992 में रिलीज हुआ था। If you like my video, please like it, share it, and please don't forget to hit the bell icon for all notifications.